फॉर्मेट्स होते हैं। पहला फॉर्मेट कौन सा हुआ? पहला हुआ यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन तो इसको आप क्रॉस लगा दीजिए, क्यों? क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन तो मेरे को मिल नहीं सकता चूंकि निकल चुकी है। अब लिखिएगा एक इनफॉर्मल एजुकेशन, और एक और होता है जिसे नॉन इनफॉर्मल कहते हैं। हाँ, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक और एक गैर अनौपचारिक। तो जो गैर अनौपचारिक होता है इसे हम बोलते हैं टेली एजुकेशन, यानी जो हम मीडिया चैनल्स और इन सब के माध्यम से करते हैं, और जो अनऑफिशियल हो तो आप लोगों को पता ही पता है। आप इसी पर फोकस करेंगे, आप ये बोलेंगे सर मैं एजुकेशन में इनफॉर्मल एजुकेशन का सही रहेगा ठीक है, ये आपका हो गया। और बताएं और क्या सर इनफॉर्मल में कौन कौन से मेथड अपना सकते हैं? इनफॉर्मल में जैसे मान लीजिए कि आप डीएम, आपने ये कहा कि सर मैं कोशिश करूँगा कि मंथ में वन डे, जैसे आप टीम बनाएंगे, पहले एक मिनट में डीएम सारा काम देखिए, एक हम सर टीम बनाएंगे, टीम में कौन होगा? वहाँ का एनजीओ होगा, देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, और बहुत सी आप बताएंगे तीसरा जो होगा बहुत से लोकोपकारी संस्थाएं होंगी जो फिलंथ्रॉपी करती हैं। तो अगर उसमें जो लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं ठीक है ना, उनको हम अपने साथ करेंगे ठीक रहेगा। इसमें कोई रोल मॉडल भी हम ले सकते हैं जैसे महिलाओं ने कोई अच्छा काम किया है? हाँ, आपके ज़िले में तो आप उनको बिल्कुल बिल्कुल उनको भी आप अपनी टीम में रखेंगे, और उसके बाद आप इन सब के द्वारा यानी ये एक आप समूह बनाएंगे, जैसे इंदिरा गांधी जी जब थी अपने टाइम पर उन्होंने एक बंदर सेना बनाई थी, इसी जगह बानर सेना नाम था उसका, इंदिरा जी का एक बानर सेना थी जो छोटी थी, यानी जो पंडित जी शासन कर रहे थे तब बानर सेना, तो वैसे ही आप एक प्रौढ़ शिक्षा सेना बनाएंगे। देखिए अरे भाई आतंकवादी और ये लोग अपनी सेना बना सकते हैं, माओवादी तो क्या हम नहीं बना सकते हैं जी। एडल्ट एजुकेशन फोर्स हम बनाएंगे जिसमें ये लोग सब शामिल होंगे, और जिसमें लीड मैं करूँगा, फिर आप लीड मैं यानी कि मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 2 डेज नहीं तो मंथ में 3 to 4 डेज जैसे हम मेरी व्यस्तता होगी, और अगर मुझे रोज टाइम मिला तो रोज मैं क्या करूँगा आप बताएंगे सर मैं यानी प्रौण शिक्षा को अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे सिस्टम में संचालित करूँगा। इससे क्या हो जाएगा कि यानी डिजिटल इंडिया हो भी रहा है, भारत नेट वगैरह लगी रहे और आप डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना ठीक है जी सर। तो मैं अपनी तरफ से बस एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चे आए ना भेजो भैया, भेजो सब इंटरव्यू वाले भेजो ठीक हो गया जी। मैं ये चाहता हूँ कि इंटरव्यूअर जो मैंने अपनी असफलता से ठीक है जो मैंने अपनी असफलता से सर मेरा नाम स्वागत मोहन है, मैं आपके कोर्स से आने का टाइम में सब्सक्रिप्शन ले चुका अच्छा। लेकिन मेरा एथिक्स और ऐसे का पार्ट नहीं होता ठीक से हो, और मेरा मीडिया से भी इंग्लिश मीडिया तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप समझने के लिए आया वेस्ट बंगाल से आ गया है वेस्ट बंगाल से अब जब चलेंगे, अभी तो कोरोना के चक्कर में बैचेस स्टार्ट हुए फिर बैचेस सारे रुक गए ठीक है, तो मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाऊंगा, आप एक मिनट मिल गए नहीं जिसे बात कर लेता हूँ, आपका व्हाट्सएप आया था ना? हाँ हाँ मैं आपसे बात कर लेता हूँ ना, बैठो ठीक है जाइए आप देखो।